So, hey, what's up, guys? Welcome back to the vlog. तो अभी मैं कुछ दिन पहले शिल्पा के ससुराल गया था और वहाँ पर मैंने और भाई साहब ने मिलकर शिल्पा के साथ बड़ा तगड़ा प्रैंक कर दिया था। भाई साहब वहाँ पर झूठ मूठ का बेहोश हो गए थे और जब बाद में उसे असलियत पता लगी उसके बाद वो रोने लगी थी। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मम्मी के साथ प्रैंक करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो आपने ब्राउन कलर का पपी देखा था ना, मैं उसे ऊपर वाली छत पर लेकर आ जाऊंगा और मम्मी जी के सामने इस तरह की एक्टिंग करूंगा कि जैसे मुझे पपी के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं खुद ही उनसे जाकर पूछूंगा कि वो ब्राउन वाला पपी गया कहाँ। उसके बाद रिएक्शन नोट करेंगे मम्मी जी का। तो अभी फिलहाल मम्मी नीचे हैं और इतने में जल्दी से नीचे वाली छत पर जाता हूँ और उस ब्राउन वाले पपी को लेकर ऊपर आ जाता हूं। तो भाई शुरू करते हैं अपना प्रैंक। सो गाइस फाइनली मैं ब्राउन वाली पप्पी को भाई छत पर लेकर आ गया हूं। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आजा भाई, इतनी क्यूट है ना यार, मोटी सी। देखो 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 भाई, भाई 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 बैठ गई बैठ गई भाई। बस उम्मीद करता हूँ कि ये काम काम ना करे क्योंकि इसकी आवाज करने से सारे प्लेन की धज्जियां उड़ सकती हैं। आजा 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 जल्दी आजा। तुम्हारा अच्छा सा बाबू है ना, आवाज नहीं करेगी ना बिल्कुल भी। चलो बहुत बढ़िया, आज हम मम्मी के साथ प्रैंक कर देंगे, ठीक है? प्रॉमिस कर पहले मुझसे। भाई इसने कर लिया मुझसे प्रॉमिस, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? तो आवाज मत करियो। तो गाइस जल्दी से अब नीचे चलते हैं और मम्मी जी को डराते हैं। बाय। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ नीचे और उस ब्राउन वाली फीमेल के बारे में अब मम्मी से पूछते हैं। मम्मी वो जो ब्राउन वाली फीमेल थी जिसके मतलब जो पिछली वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, बड़ी छोटी वाली जो थी, हाँ वो ले गए पापा जी चैनल पे? नहीं। और कहाँ है फिर वो? यहाँ कहाँ है? छोटी वाली तो, हाँ छोटी वाली जो दो थी, एक ब्राउन एक ब्लैक, यहाँ तो नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है, जाल में नहीं है। अरे जाल में देख के तो आया हूँ, अभी जाल खुला पड़ा था। नहीं है, दोनों तो दोनों बच्चे थे। हाँ दोनों बच्चे जो थे, एक मतलब दोनों फीमेल थी ना, और जब यहाँ पे नहीं है मैं सारे में देख के आया हूँ। जाल जो था इनका, एक तो बड़ा जाल है उसके अंदर छोटा जाल है, अंदर वाले जाल में थी नहीं। अब बाहर कहाँ होगी? उस साइड बाहर की तरफ जहाँ कूलर पे, जहाँ कूलर है, अंदर जाल में, जाल के पल्ली तरफ। भाई मैं ऊपर जब गया था ना मैंने देखी थी वो फीमेल तो वहाँ पर थी नहीं, मुझे लगा पापा जी उसे कैनर पर ले गए होंगे। एक बार फिर से ऊपर चलकर देखते हैं, क्या पता वो वहीं पर हो, मुझे दिखी ना हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जाल में पल्ली तरफ बैठी है। अच्छा चलो देखता हूँ मैं। तो भाई मम्मी बता रही थी कि वो इस जाल से निकलकर उस साइड बैठ गई होगी या फिर इस साइड बैठ गई होगी, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रही भाई। वैसे तो मैं पहले चेक कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मम्मी कह रही थी इसलिए दोबारा आना पड़ा यहाँ पे, मुझे तो कहीं भाई दिख नहीं रही वो फीमेल। मम्मी जल्दी आओ ऊपर को। तो भाई मम्मी नीचे से आ रही हैं। भाई वैसे यहाँ पे विंडो वगैरह भी है, इनके पीछे देखता हूँ एक बार। जाल ऐसे लग रहा, जाल लग नहीं रहा था, खुला पड़ा था जाल। ले गया, अब ऐसे कैसे ले जाएगा यहाँ से? तो मतलब ऐसे कहाँ से ले जाएगा? क्या किसको? पापा जी को। ये वाला जाल भाई जब मैं यहाँ पे आया था ना तो ये वाला जाल खुला हुआ था और वो वाला भी खुला हुआ था अंदर से। देख लो पहले, देख तो लो कभी कूलर वूलर के पीछे हो गई। नहीं, नहीं, नहीं। जब मैं जाल लगा के गई भाई, ये जो दो पप्पी है ना ये आज कैनल पर से आए थे, तो जब ये इन दोनों को मम्मी लेकर आई थी ना तो वो पप्पीज यहीं पर थे। तुम चेक कर लो एक बार, उसकी आवाज आवाज तो नहीं आ रही कहीं से? पक्का याद है तुमने गेट लगाया था? भाई मुझे तो इतना पक्का याद है नहीं, लेकिन मम्मी कह रही है कि जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो वो ब्राउन वाली फीमेल भी यहीं पर थी और ब्लैक वाली भी यहीं पर थी और जाल बंद था, लेकिन भाई अब जाल खुला हुआ है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा गाइस मम्मी कह रही है कि कोई उतार कर ले गया उसे, तो भाई नीचे जाकर मम्मी पापा जी को फोन करने के लिए कह रही है। तो गाइस मम्मी तो कह रही है कि किसी ने अभी अभी पार करी है ये। अब पीछे को कहाँ, किसके घर में जाके चेक करोगे आप? अब कहाँ चढ़ू ये तो बताओ, ऐसे कैसे पता लग जाएगा ये बताओ तुम। क्यों अपने फोन से मिला लो ना। तो भाई मम्मी करने वाली है अभी पापा जी को फोन, जल्दी देखो। तो टेंशन क्यों ले रही हो, मिल जाएगी यार। फोन काट दो, फोन काट दो। कहा पापा जी को क्या? अरे फीमेल का नहीं पता मुझे, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ। भाई प्रैंक को यहीं पर एंड करना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा जी को फोन मिला रही है यार। मिलाया तो नहीं फोन? ओए मम्मी फोन काट दो यार, फोन काट दो भाई। तो भाई मम्मी पता क्या कह रही थी कि कोई पक्का उसे उतार के ले गया क्योंकि भाई वो दिखने में बहुत प्यारी थी, पक्का कोई ना कोई उसे चोरी करके ले गया। मानता हूँ खैर थोड़ा मोहल्ला वैसा है लेकिन चोरी तो नहीं करने कैसे। भाई मम्मी जी को मैंने बर्तन धोते धोते ऊपर बुला लिया था, शांति मिल गई है कहीं भी हो, छत पे सबसे ऊपर ले आऊंगा सही। मम्मी एक बात तो बताओ, जब मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे से है नहीं, तुम्हें कैसा लगा? मुझे उसका खतरा, उतार के ले जाएगा।
पहले क्यों? जब ये इतने प्यारे तो भाई वो सच में बड़ी क्यूट है यार। तो भाई फाइनली इस प्रैंक को भाई यहीं पे एंड करना पड़ा क्योंकि मम्मी जी यार बताओ पापा जी को फोन कर रही है। पापा जी मुझे एक बार डांटते कि तू वहाँ था क्योंकि मैं तो घर पर था ना, मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। पापा जी सीधा मुझे डांटते कि तू क्या कर रहा था घर पे, तेरी मौजूदगी में भाई पप्पी को उतार के ले गया। तो भाई इसलिए मैंने जल्दी से यार, वरना मैं इस प्रैंक को और भी खींच सकता था। लेकिन बताओ यार पापा जी को फोन करती है, तुम बिना पापा जी को फोन करी नहीं रह सकती थी क्या? बताती ना बच्चा चोरी हो गया। तो भाई जल्दी से अब ऊपर चलते हैं, कभी उसे कोई चील कमाई उड़ा के ले जाए। तो भाई अरे अरे खेल रहा आजा आजा, सॉरी खेल रही है भाई। देख लो भाई इसकी क्यूटनेस की बात हो रही थी। बात मत कर मेरे से, चल लगी तो नहीं तुझे? अच्छा लग गई, कहाँ लग गई, कहाँ लग गई, यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो भाई ये पानी पी रही है। आज तूने मम्मी जी को पागल बनवा दिया, हाथ ही मिला इस बात पे। अरे वाह, हम दोनों मिलके बहुत सारे प्रैंक किया करेंगे, ठीक है? दूसरा हाथ भी मिला रही है, तो जल्दी से अब इसे नीचे लेकर चलते हैं। ओए आजा, बहुत देर हो गई खेलते खेलते। तो गाइस फाइनली ये आ चुकी है अपनी बहन के पास, खेल लो दोनों। खुशी में खाना भी खाने लग गई। रात के 8:38 हो रही है और मैं खा रहा हूँ अभी खाना, और खाने में है एग करी, प्याज और रोटी। सो गाइस मैंने खा लिया खाना। और गाइस ये ब्राउन वाली पप्पी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। और आगे भी मैं ऐसे ही मस्त मस्त प्रैंक करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड दिस इज अ बिना होम ओवर एंड आउट।